टिल द लास्ट टाइम हम वी हैव डन टिल सारी की सारी साइट्स निकाल ली थी हम लोगों ने. दैट इज विथ मॉर्निंग लॉन्ग भाई क्रोन से स्टार्ट किया था, फिर नून पोजिशनिंग, फिर एक्स मिरीडियन, फिर उसके बाद नून पोजिशनिंग इवनिंग में, सो नॉट नून पोजिशनिंग, लॉन्ग भाई क्रोन जो इवनिंग में होगा वो, फिर स्टार साइट मॉर्निंग और इवनिंग में तो किस तरीके से निकलेगा, वो सब तो हमने कर लिया था. अब इसमें जो बचा हुआ है वो कि GPS फेल अगर 1100 आवर्स या 1600 आवर्स हो जाता है तो क्या करना चाहिए, तो हाउ वी शुड डिटरमाइन इट, तो पोजीशन आवर पोजीशन हाउ वी शुड डिटरमाइन. तो ये प्लस इंटरसेप्ट मेथड जो है वो बेसिकली ये दो चीज़ मैं जनरली कवर अप करूँगा. तो इसमें जैसे है कि GPS फील्ड 1100 आवर्स और 1600 आवर्स, तो उसमें क्या करेंगे, 1100 आवर्स के लिए पहले देख लेते हैं कि क्या करेंगे, उसके बाद विल सी फॉर द 1600 आवर व्हाट वी शुड डू. तो इसमें है कि इफ द GPS फील्ड 1100 आवर्स देन एज GPS इज फील्ड 1100 आवर्स वी विल हैव वन पोजीशन मार्क 1100 आवर्स और 1000 आवर्स बाय GPS. तो आई जस्ट मीन टू से दैट कि अगर 11 बजे फेल हुआ है तो या तो 11 बजे की हमारे पास GPS पोजीशन होगी या तो हमारे पास 10 बजे की GPS पोजीशन होगी, 10 बजे की GPS पोजीशन या 11 बजे की GPS पोजीशन, जो भी हो, जिसको जैसा लगे, जो बोले कि 10 बजे की पोजीशन ही मुझे मिलेगी 1100 ख़राब हुआ है तो उसके लिए भाई वही है, और जो बोले कि मुझे 11 बजे की भी मिल सकती है तो 11 बजे के लिए. तो मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि लेट अस से दैट वी हैव 1000 आवर्स 10 बजे की पोजीशन, एज द पीपल कैन से दैट 1100 आवर्स इट इज़ फेल्ड, सो आई कैन नॉट गेट द 1100 आवर पोजीशन. सो मान लेते हैं 10 बजे की पोजीशन है, इसको 1100 भी मान सकते हैं, दिस इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है. तो देन पोजीशन मार्क्ड करेक्टली एज पर द GPS, कि मतलब 1000 की जो पोजीशन है वो GPS से हमारी लगी हुई है, हमें 10 बजे की मिल गई. अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे रन, कब तक के लिए, टिल सन मेरिडियन एल्टीट्यूड, कि हम लोग रन लगा देंगे टिल सन जो है अपना मेरिडियन एल्टीट्यूड जब तक हम कैलकुलेट करेंगे तब तक के लिए. जैसे कि लेट अस अज्यूम कि 10 बजे की हमारी GPS पोजीशन ये वाली थी और 11:45 पे सन का मेरिडियन पैसेज था, तो 10 टू 11:45 तक का हम लोग रन लगा देंगे, क्योंकि 1000 की हमारे पास GPS पोजीशन है, तो 11:45 तक की हमने रन लगा दी. अब रन लगा दिया 11:45 तक का, अब 11:45 पे लैटिट्यूड बाई मेरिडियन सन या लैट बाई मर्स ऑफ द सन से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे भाई लॉन्गिट्यूड हमारी क्या आ रही है या पोजीशन क्या आ रहा है. वो वाला भी पहले भी बताया हुआ है, वो नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या करेंगे, तो मतलब किस तरीके से, बस ये अभी एक तरीके से रफ व्यू दे रहा हूँ कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द वेसल लैट बाई मर्स से हमने कर लिया 11:45 का, तो हमें 11:45 की ऑब्जर्व लॉन्ग मिल जाएगी. उसके बाद 15 मिनट बचे हमारी नून पोजीशन में, तो 15 मिनट का हम लोग रन लगा देंगे अपनी वेसल की स्पीड, इंजन और करंट लगा करके, इट विल बी नथिंग रॉन्ग, इट विल बी नून पोजीशन विल बी ऑलमोस्ट करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारा उस टाइम पे, क्योंकि दो टाइम, या तो हम लैट बाई मर ले सकते हैं, अगर नहीं ले सकते हैं तो एक्स मेरिडियन मेथड है, वो भी कैसे है वो भी मैंने बताया हुआ था पहले भी. तो इसमें क्या है कि लैट बाई मर, लैटिट्यूड बाई मेरिडियन वाला जो है ये इस ब्लॉक में लिखा हुआ है और ये रही उसकी वीडियो, तो यहाँ पे वी कैन सी इट एंड वी कैन नो, क्योंकि ये मैं ज़्यादातर आई विल कीप इट टिल द इंटरसेप्ट ओनली. और इसमें क्या है कि 1100 में जैसे फेल हुआ, तो बस एक बार और रिकैप कर लेते हैं, 1100 में फेल हुआ तो मेरे पास 1100 किसी की भी पोजीशन आएगी, वहाँ से मैं 11:45 तक का रन लगा दूंगा जो कि मेरा सन के मेरिडियन पैसेज का टाइम है, या एज कैलकुलेटेड बाय एल्मनैक जैसे भी है, तो वो करके एंड देर आफ्टर व्हाट आई विल डू 11:45 पे लैट बाई मर लगा करके मैं अपना दैट आई विल पुट अप माय ऑब्जर्व लैट, आई विल कैलकुलेट माय ऑब्जर्व लैट और वहाँ से मैं पोजीशन निकाल लूँगा. 15 नून की पोजीशन निकालनी है तो 15 मिनट का रन लगा दूंगा, नो प्रॉब्लम. अब लैट बाई मेरिडियन का क्या है, कैसे पोजीशन निकालनी है, इसमें लिखे हुए हैं ब्लॉक्स में और इसमें दोनों में एक्स मेरिडियन का, क्योंकि इसमें एक्स मेरिडियन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम
लैड बाय मर मास्टर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इफ़ वी आर नॉट यूजिंग दैट वन, ये रहा। अब इसमें क्या है, इफ़ GPS हैज़ फेल्ड 1600 आवर्स, तो एक ये वाली यू कैन सी दिस वन इन द मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन ऑल्सो, तो इफ़ GPS हैज़ फेल्ड बाई 1600 आवर्स, वी हैव 1200 आवर्स पोजिशन विच कैन बी यूज टू फाइंड द पोजिशन एट 1600 आवर्स बाई द इंटरसेप्ट मैथड। ओके, ये वाला भी है, इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट एंड द मोस्ट थिंग इज वी शुड नो दैट ये एम्पलीट्यूड मैथड जो है वो राइजिंग और सेटिंग के टाइम पे, राइजिंग सन और सेटिंग सन के टाइम पे हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ सन ले सकते हैं, इट कैन बी एनी हेवनली बॉडी। फिर जो हमारा लॉन्ग बाई क्रोन है, ये जब प्राइम वर्टिकल सर्कल पे जब भी होती है हमारी सेलेस्टियल बॉडी तब ले सकते हैं। लैड बाई मर जब वो मेरिडियन पर है हमारी, एक्स मेरिडियन, तो एक्स मेरिडियन की लिमिट है और उसका क्या है वो उसमें पहले एक्सप्लेन है। फिर लॉन्ग बाई क्रोन हम इवनिंग में भी ले सकते हैं जब बॉडी प्राइम वर्टिकल सर्कल को क्रॉस करेगी और सेट करने के लिए धीरे धीरे जाएगी, और जब सेट हो जाता है तो एम्पलीट्यूड फिर ले सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन कि क्या है। अब क्या है, इसके बीच में जैसे एम्पलीट्यूड है और लॉन्ग बाई क्रोन है, इसके बीच में हम इंटरसेप्ट मेथड तो यूज कर सकते हैं, दो वी कैन यूज द इंटरसेप्ट मेथड एट द एम्पलीट्यूड ऑल्सो इन लॉन्ग बाई क्रोन ऑल्सो, इस टाइम पे भी हम इंटरसेप्ट मेथड यूज कर सकते हैं, बट इंटरसेप्ट मेथड विल नॉट बी एज एक्यूरेट एज लॉन्ग बाई क्रोन या एम्पलीट्यूड सनराइज पे जो होगा, तो उतना एक्यूरेट नहीं होगा इंटरसेप्ट मेथड, उतनी एक्यूरेटली हमें पोजिशन नहीं देगा, दैट्स वाई वी डोंट यूज, वी यूज एम्पलीट्यूड ओनली और वी यूज लॉन्ग बाई क्रोन। तो इंटरसेप्ट मेथड हम इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, फिर लॉन्ग बाई क्रोन और लैड बाई मर के बीच में यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, फिर हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे का मतलब है कि एक्स मेरिडियन या लैड बाई मर के बाद का जो भी है, या लॉन्ग बाई क्रोन और एम्पलीट्यूड ऑफ सन के बाद का जो भी है, तो वी कैन फाइंड इट आउट हियर ऑल्सो। तो इसमें अगर 1600 मेरी हो गई है फेल, GPS 1600 GPS फेल हो गया है, तो इट कैन बी कि लॉन्ग बाई क्रोन मैथड इवनिंग का यूज कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी ऑल्सो, तो आई एम टेकिंग इट कैन नॉट बी, इफ इट कैन बी तो लॉन्ग बाई क्रोन यूज कर लो, इफ इट कैन नॉट बी तब हमारे पास सिर्फ इंटरसेप्ट मैथड बचता है जिसके थ्रू हम पोजिशन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1600 की हमें पोजिशन निकालनी है, तो 1200 से 1600 तक का हम रन लगा देंगे, जो कि जस्ट या As we know that the intercept method can be used at any time, यही बताया, and other methods such as morning long by crown, meridian, passage, etc. are more accurate when they are set to be taken as per the principal navigation. I mean, morning long by crown is more accurate than the intercept during morning, so we take long by crown. तो वही मैंने जो अभी बताया वही मैंने बताया। अब इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले तो we have to apply the run, जैसे ये 1600 का है और हमारा 1600 फेल हो गया, तो 12 बजे से लेकर 1600 तक का हम रन लगा देंगे अपना। रन लगाने के बाद हमें एक DR मिल जाएगी। अब ये DR है, मान लेते हैं ये 29th November 1992 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह 2017 मान के वी आर ऑन द शिप एंड वी कैन इमेजिन। और जो DR आई ना हमारी वो 1600 की, वो ये रही 26, 27 and 130 27, और जो हमने सन का अपर लिम ईस्ट जो है उसमें मेरिडियन निकाला ना, वो 28, 11 आ गया, ठीक है। और GMT हमें 29 मतलब वही 29 डे की हमें 17 hours 47 minutes and 49 seconds, ये हमें पता है। तो हमारे पास GMT दी है, DR है, और हमारे पास सन का अपर लिम का जो है वो हमारे पास एक्सटेंट एंगल है। नाउ व्हाट वी कैन डू, हमारे पास GMT है और सेक्सटेंट एंगल है, सेक्सटेंट एल्टीट्यूड से हम लोग ये नॉर्मल ऐसे कैलकुलेट कर TZD तक कैलकुलेट कर लेंगे, ये सबको आता है। TZD यहाँ कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हम लोगों को GHA, जो GMT है GMT से GHA और डेक्लिनेशन, ये दो कैलकुलेट हो जाएंगे, GHA इंक्रीमेंट लगा के GHA लॉन्ग LHA तक, तो ये LHA कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगा और डेक्लिनेशन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, और TZD यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगी। ये वाला हैवरसाइन का ये मेथड मुझे नहीं आता है, तो वो फॉर्मूला वाला जो अपना मेथड है वी विल यूज दैट वन। तो ये cos CZD,
cos CZD is equal to cos P cos lat cos tech plus minus sin lat or deck. तो इससे पहले यहाँ पे भी कि flat and deck are same name then plus contrary name then minus, तो यहाँ पे भी same, तो इसने sum कर दिया है. यहाँ पे उल्टा है, वो s से मैं subtract बोलता था, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो intercept method में plus हो जाता है, subtract नहीं होता. तो और उसमें LHA is between 0 to 180, तो P is equal to LHA, और LHA is between 180 to 360, then P is equal to 360 minus LHA. तो यहाँ पे LHA निकालना पड़ेगा, we have found out here LHA. तो उसके अकॉर्डिंगली P की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पिट अप करके CZD निकाल लिया. CZD हमें पता लगे, CZD और TZD तो अवे है या टूवर्ड्स है ये पता लग जाता है. जैसे कि इसमें TZD जो है ना वो बड़ा है, तो इसने अवे लिख दिया है. तो मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि तुषार का घर दूर है, तो अगर TZD बड़ा हो जाता है तो अवे हो जाएगा. तो दैट्स हाउ आई रिमेम्बर कि TZD अगर बड़ा होगा तो अवे हो जाता है. दैट्स हाउ आई रिमेम्बर. एंड देन AB और tan azimuth कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. और tan azimuth dr, तो azimuth कैलकुलेट हो गया, इंटरसेप्ट हमें पता ही है, तो PL आराम से डाल PL डाल देंगे, तो PL विल गिव अस कि हम कहाँ पे हैं. अब इसके सिवा हम लोग, जैसे ये आ गया, ये हमारा इंटरसेप्ट मेथड से हमारी एक PL आ गई. अब जो PL हमारी 12 बजे की थी उसको भी हम रन अप कर दें, तो जहाँ पे दोनों PL कटेंगी दैट विल गिव अस एग्जैक्टली 1600 की पोजीशन आराम से दे देगी. तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक सो. और 1600 की निकल गई, 1100 की भी निकल गई, क्योंकि नून पोजीशनिंग से निकल जाएगी ये वाली. नाउ अगर हमारा GPS कभी भी फेल हो जाता है, हमें नहीं पता कब फेल होगा. नाउ लेट अस अज्यूम दैट आवर GPS हैज फेल्ड एट एनी टाइम, देन किसी भी टाइम पे हमारा फेल हो जाता है. एज वी नो दैट द इंटरसेप्ट मेथड कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम. इंटरसेप्ट मेथड का हम कभी भी यूज कर सकते हैं. कभी भी का मतलब है कि यू कैन यूज इन द लॉन्ग मॉर्निंग लॉन्ग माइक्रोन की जगह भी यूज कर सकते हैं, बट इट विल नॉट बी सो एक्यूरेट दैट मॉर्निंग लॉन्ग माइक्रोन. और हम लोग मेरिडियन एल्टीट्यूड पे भी यूज कर सकते हैं, बट इट विल नॉट बी सो एक्यूरेट देन जो हमारा लैट बाय मर्क का मेथड है, उससे ज्यादा नहीं होगा एक्यूरेट. दैट्स व्हाई वी यूज दिस एट अ पर्टिकुलर टाइम, और इंटरसेप्ट मेथड इन बिटवीन कभी भी यूज करते हैं. तो एज वी नो दैट द इंटरसेप्ट मेथड कैन बी यूज एट एनी टाइम, बट बिलो इज यूज we will show have our last known position. So, but below can be also used, or below can be used. That is also. Okay, now, कहीं पर भी अगर GPS failed है, तो हमें एक position तो पता ही होगी, our last known position. That can be 2 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, या 10 घंटा पहले, या जो भी हो. But हमें कोई ना कोई अपनी last GPS की position पता होगी. अब क्या करना है यहाँ से, this is underlined. इसलिए मैंने अंडरलाइन किया कि अप्लाई रन फ्रॉम द लास्ट नोन पोजीशन टू द टाइम व्हेन टेकिंग साइड, व्हेन एवर यू वांट टू टेक द साइड, तब उस टाइम तक का रन लगाना पड़ेगा टू नो द डीआर. तो डीआर या ईपी हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं. तो डीआर हमें पता है या ईपी हमें पता है, देन वी विल हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टू गो विथ. तो उसके बाद जो नीचे मेथड्स हैं, वी कैन गो थ्रू ऑल दीज मेथड्स. तो मैंने कौन सा मेथड कब यूज़ करेंगे, या है जैसे कि मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन है, तो दिस मेथड कैन बी यूज व्हेन द जीपीएस फेल्ड आफ्टर स्टार साइट टेकन इन मॉर्निंग. तो ये वाला मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन कब यूज़ करेंगे, वो उस टाइम यूज़ कर सकते हैं जब जीपीएस फेल हुआ हो स्टार साइट, जो कि हम ना मॉर्निंग में स्टार साइट चीफ मेट्स लेते हैं, तो वो वाली स्टार साइट से ले करके मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन, या आफ्टर स्टार साइट टेकन इन द मॉर्निंग एट द नॉटिकल टॉयलेट टू द टाइम ऑफ लॉन्ग बाई क्रोन मेथड, एक्चुअली टू द टाइम ऑफ लॉन्ग बाई क्रोन. तो यहाँ पे ये कब से कब तक ले सकते हैं कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन स्टार साइट जो है ना मॉर्निंग की वो ले ली, और जो इसमें मैं पुट अप कर दूंगा यहाँ पे एडिट करके. तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन द जीपीएस फेल्ड आफ्टर स्टार साइट taken in morning at the nautical toilet to the time of long by crown method.
मतलब लॉन्ग बाई क्रोन से पहले पहले तक अगर खराब होता है तो हम लोग लॉन्ग बाई क्रोन ये वाला मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन मेथड यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले का एक फिक्स पोजीशन हमें पता होगा जब हमने स्टार साइट लिया था, और उसके बाद हमें मॉर्निंग का एक पता लग जाएगा। तो ये दो, तो ये मतलब हमारे पास एक मान लेते हैं मॉर्निंग में चीफ मेट ने 5:30 की पोजीशन निकाल के रखी है, 0530 की। तो 0530 का हमारे पास पोजीशन है, और हम लोग वहां से लेकर के और हमारा जो मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन आया हुआ है वो 8:30 पे आएगा, 0830 आवर्स पे। तो बीच में अगर हमारे मान लेते हैं 7:30 और 7 o'clock और 6:30 और 6 o'clock जीपीएस खराब हो गया, तो व्हाट वी कैन डू कि पीछे की तो पोजीशन हमें पता ही है, फिर वहां पे हमें 6 o'clock तक की पोजीशन हमें पता है, फिर तो 6 o'clock तक की जो पोजीशन हमें पता है, तो अगर 6 o'clock का एग्जैक्टली निकालना है तो वी कैन यूज द इंटरसेप्ट मेथड एट दैट टाइम। अगर 6 इंटरसेप्ट मेथड नहीं यूज कर सकते, इंटरसेप्ट किसी का भी, स्टार का, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का निकाल करके जिसका निकलता है तो उसका निकाल के इंटरसेप्ट मेथड से हम कर सकते हैं। और मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन वाले टाइम पे मतलब 8:30 वाले पोजिशन पे हम लोग लॉन्ग बाई क्रोन मेथड यूज कर सकते हैं, और 8 बजे का पोजिशन सीधा भी निकाल सकते हैं। तो दिस कैन बी ऑल्सो डन। अब उसके बाद है कि लैट बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड और एक्स मेरिडियन मेथड कब यूज करते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज व्हेन द जीपीएस हैज फेल्ड बिटवीन मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन एंड नून पोजिशन, नून पोजीशन से के बीच में और लॉन्ग बाई क्रोन। जैसे 1100 की यहाँ पे पोजीशन, 1100 का यहाँ पे फेल बताया हुआ था, तो यहाँ पे 1100 फेल बताया हुआ है, देन वी हैव यूज्ड दीज टू मेथड्स, लैट बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड एंड एक्स मेरिडियन। तो ये दोनों हम लोगों ने यूज करके हम लोगों ने पोजीशन निकाली है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। तो लैट बाई मेरिडियन एल्टीट्यूड जब या एक्स मेरिडियन कब यूज कर सकते हैं, जब जीपीएस फेल हुआ है लॉन्ग बाई क्रोन से लेके नून पोजीशन तक के बीच में। ओके, नाउ इंटरसेप्ट मेथड कब यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड व्हेन द जीपीएस हैज फेल्ड बिटवीन नून पोजीशन टू इवनिंग लॉन्ग बाई क्रोन, सेम एज द मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन मेथड और स्टार साइट ड्यूरिंग द इवनिंग। तो एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, ये वाले, एक्सेप्ट एम्पलीट्यूड लॉन्ग बाई क्रोन, यहाँ पे ये वाला जो है ये प्राइम प्राइम वर्टिकल सर्कल है, तो जब भी सन प्राइम वर्टिकल सर्कल पे होता है तो हम लॉन्ग बाई क्रोन लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड लॉन्ग बाई क्रोन, फिर लैट बाई मर, एक्स मेरिडियन, लॉन्ग बाई क्रोन इन द इवनिंग, एम्पलीट्यूड इन इन द इवनिंग और ड्यूरिंग द सेटिंग। तो इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 पॉइंट्स के सिवा कभी भी हम लोग इंटरसेप्ट मेथड यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एट दिस टाइम ऑल्सो, बट वी यूज दीज मेथड्स बिकॉज दे आर मोर एक्यूरेट, दैट्स व्हाई। तो इसमें जो था कि इंटरसेप्ट मेथड इट कैन बी यूज व्हेन द जीपीएस हैज फेल्ड, नून पोजीशन बता दी लॉन्ग बाई क्रोन ड्यूरिंग सनसेट, तो या तो नून पोजीशन से लॉन्ग बाई क्रोन के बीच में कभी भी खराब हो तो भी हम इंटरसेप्ट ले सकते हैं क्योंकि उस टाइम सन रहता है। फिर सेम एज द मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन मेथड और स्टार साइट ड्यूरिंग इवनिंग। तो इसका मतलब या तो मॉर्निंग से ले ले हम, मॉर्निंग में जब सनराइज हो जाता है लॉन्ग बाई क्रोन से लेके, और इवनिंग में जब वो सेट होने लगता है उससे पहले पहले हम इंटरसेप्ट ले सकते हैं सन का, और बाकी की सेलेस्टियल बॉडी का अकॉर्डिंगली जब वो राइज और सेट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अभी जो पोलारिस है, पोलारिस इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द पोजिशन इन नॉर्थन हेमोस्फियर। तो पोलारिस का भी है कि वी कैन यूज पोलारिस ऑल्सो, दिस इज वेरी सिंपल। अगर इफ एनीबडी विल टेल मी कि ही डोंट अंडरस्टैंड, तो सो मैं इसका भी प्रिपेयर कर दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। सो जस्ट फॉर अ रिकैप कि 1100 में फेल हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम अपना टाइम निकाल लेंगे कि कब मेरिडियन पैसेज हो जाएगा। तो 1145 फेल, मेरिडियन पैसेज हो गया तो 1100 पे फेल हुआ, 1000 की पोजीशन तो फर्स्ट ईयर हमें पता ही होगी, चाहे कोई कहे कि 1100 की पता है, कुछ लोग कहे ना हो, इट इज़ बेटर कि 1000, ठीक है,
तो 1000 की पोजीशन हमें एग्जैक्टली पता होगी, तो वहाँ से हम लोग व्हाट वी कैन डू कि 1145 तक का सीधा निकाल देंगे, 1000 से 1145 तक का रन अप्लाई कर देंगे हम लोग। रन अप्लाई कर दिया 1145 पे, उसके बाद 1145 पे हम अपना नून पोजीशन जैसे निकाल लैट बाई मर जैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी जैसे लैट बाई मर यूज़ करते हैं वैसे लैट बाई मर यूज़ कर लेंगे, एंड 15 मिनट्स का हम 1200 के लिए सीधा अप्लाई कर देंगे रन। तो 1200 की पोजीशन मिल गई और साथ साथ में हमें नून पोजीशन मतलब यहाँ पे भी मिल गई, एज वेल एज वी हैव 1145 ऑल्सो एवरीथिंग, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, आराम से आ जाएगा। और 1600 अगर फेल हुआ तो इंटरसेप्ट मेथड हम यूज कर लेंगे टू डिटरमाइन द पोजिशन एट 1600 इटसेल्फ। अब इसमें 1100 क्योंकि बिकॉज द क्वेश्चन आ रहा है कि 1100 पे पोजीशन पे फेल हुआ है तो हाउ यू विल डिटरमाइन नून पोजीशन, दैट्स व्हाई आई वेंट फ्रॉम 1100 टू नून 1200। अगर मुझसे कोई डायरेक्टली पूछा नहीं सिर्फ 1100 की पोजीशन निकालनी है, इसी टाइम फेल हुआ इसी टाइम की पोजीशन, अच्छा जीपीएस ने अगर नहीं किया हुआ है रिकॉर्ड तो मान लो इट इज 1110 की पोजीशन कोई पूछ रहा है, तो आई विल यूज इंटरसेप्ट मेथड टू फाइंड आउट 1110 पोजीशन। सो बट 1100 पे फेल करवा के और 1200 की पोजीशन पूछते हैं कि कैसे निकालोगे, तो इस तरीके से। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 1145 पे ही सन का मेरिडियन पैसेज हो, तो इट शुड बी चेक्ड विद द अल्मनाक, अल्मनाक से चेक करना पड़ेगा हमें कि कब होगा, टाइम कैसे होगा। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट एन अजम्पशन आई हैव मेड 1145। सो जस्ट फॉर यू, 10 बजे की पोजिशन पता है, 1145 तक का हमें पता है मेरिडियन पैसेज, तो वहाँ तक का हम लगा देंगे रन। 1145 पे हम अपना ऑब्जर्व लॉन्ग या लैट बाई मेरिडियन मेथड से यूज करके हम लोग अपना ऑब्जर्व लॉन्ग ऑब्जर्व लैट हम कैलकुलेट कर लेंगे 1145 का, और बाद में 15 मिनट का रन लगा के हम लोग 12 बजे की पोजीशन निकाल लेंगे। अब 1600 फेल हुआ तो 12 बजे की पोजीशन से लेके 1600 तक का रन लगा देंगे, 1600 पे हम इंटरसेप्ट मेथड यूज कर लेंगे विच इज 1 2 3, ये लिखा हुआ है 3 4, ये सब। तो वी विल यूज दिस मेथड टू डिटरमाइन आवर पोजीशन, और 12 बजे की जो है वो PLB लेकर के आ जाएंगे और वी विल पुट देयर 12 बजे की PL जो है वो हम लेकर के आके और यहाँ पे डाल देंगे, सो इट विल बी ओके। और बाकी का जो जब भी फेल हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉर्निंग में मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन कब यूज़ करना है, लैट बाई मर कब यूज़ करना है, एक्स मेरिडियन कब यूज़ करना है, इंटरसेप्ट कब यूज़ करना है, दिस इज, और पोलारिस भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, दिस इज हाउ वी कैन डू इट। तो इंटरसेप्ट मेथड बस एक बार और, तो इंटरसेप्ट मेथड में क्या है, 12 बजे से 1600 तक का हमने मार दिया रन, 1600 पे हमें मिल गई पोजीशन, DR पोजीशन और EP पोजीशन। नाउ व्हाट वी विल डू, द पोजीशन इज दिस वन, और हमारा सन का जो अपर लिम लिया हमने उसका ये रहा सेक्सटेंट एंगल, सेक्सटेंट एंगल इज दिस वन, एंड देन दिस इज आवर सेक्सटेंट एंगल, दिस इज आवर पोजीशन, दिस इज आवर सेक्सटेंट एंगल, एंड वी हैव द GMT ओवर हियर, सो दिस बाय यूजिंग द GMT we will find out GHA from the almanac and LHA finally we will find out, and the declination we will find out, then sextant altitude we know, so we will calculate the TZD. These have a sign method I don't know, so scientific calculator, we can use scientific calculator by using this method, cos of CZD, cos of P, cos of lat, cos of dec plus minus so on, to know the CZD we know, CZD, TZD, and Tushar ka ghar jo hai wo dur hai, to TZD is greater, so it is always away, phir ABC calculation and true azimuth calculation, and then PL drawing, to ye sab karke bas intercept method aa jayega, so that's it.